हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज आपके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जो स्टूडेंट अभी 27th मई में जो जी एडवांस होने वाला है उसके लिए ये फुल केमिस्ट्री का रिवीजन है, और इसमें इस रिवीजन को मैं नेम्ड रिएक्शन के द्वारा आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। ये वीडियो लगभग 100 मिनट्स का है, और इसमें पूरी केमिस्ट्री की यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 11th और 12th पार्ट में से जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है, जैसे मैंने 100 नेम्ड रिएक्शन नाम दिया है, ये नेम्ड रिएक्शन आपको इसी वीडियो में मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, और इसका मैकेनिज्म भी आपको अलग अलग वीडियो में मेरे चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा। ये रिएक्शन बड़ी शॉर्टकट में और केवल आपके रिवीजन के उद्देश्य से करा रहा हूं। आप ध्यान पूर्वक इसको अच्छे से कर लीजिए। नीट जी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है क्लेम मेंशन रिडक्शन नंबर 1। ऐसे 100 नेम रिएक्शन आपको आज मैं पूरी कराने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहली रिएक्शन में क्या होता है, इसमें कोई भी एल्डिहाइड एंड कीटोन लेते हैं। तो मैं यहां पर ले रहा हूं CH3, CH2, CO, CH3। ये है ब्यूटेन 2 ऑन। आप इसमें कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हैं। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ये मैंने लिया है यहाँ पर ब्यूटेन 2 ऑन है, और इसमें हम रिडक्शन कराते हैं जिंक, अमलगम एवं कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो CO पार्ट है, ये वाले पार्ट को आपको बस याद रखना है, थोड़ा ट्रिकी पॉइंट में इस CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2 एंड CH3। कुल मिलाकर क्या बन गया, ये ब्यूटेन यानी एल्केन बन गया। हमेशा इसमें एल्केन ही बनेगा कोई भी। तो ये मैंने एग्जांपल इसका लिया है, और इससे हम आप ब्यूटेन बना सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। ये भी देखिए, ये रहा हमारा वॉन किसनर रिडक्शन। इसमें भी हमें कोई कीटोन लेते हैं CH3 CH2 CO CH3। क्लेम मेंशन रिडक्शन की तरह इसमें भी लेंगे हम, और इसका नाम है ब्यूटेन 2 ऑन, यानी ये कीटोन है। ये आपके इंट्रोडक्शन के लिए एक कीटोन है, और इसका जो रिडक्शन हम कराते हैं उसमें लेते हैं हाइड्राजीन NH2 और ये एल्केलाइन होता है, और इसमें KOH लेंगे, NH2 और KOH, यानी रिड्यूसिंग एजेंट हमने चेंज कर दिया इसमें, जैसा कि क्लेम मेंशन रिडक्शन में नहीं था। यहां भी सेम कंडीशन है, इस बस आपको ये डायरेक्ट याद रख लीजिए दिमाग में, इस CO CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये होगा CH3 CH2 CH2 एंड CH3। देखिए, ये CO को मैंने CH2 में कन्वर्ट कर दिया। इसका डिटेल्स आपको केवल नेम रिएक्शन में ही मिलेगा, जो आपको दूसरे वीडियो में सभी की नेम रिएक्शन डाली है, आप अलग अलग देख सकते हैं। तो ये काय में कन्वर्ट हो गया, ये ब्यूटेन बन गया। ये क्या है, एक एल्केन है। इस तरीके से आप वॉल्ट किस्नर रिडक्शन द्वारा एल्केन बना सकते हैं, नोट कीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन है साइबेटियर एंड सेंड्रेंस रिडक्शन। इस रिएक्शन में हम लेते हैं एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2
और इसका रिडक्शन करेंगे हाइड्रोजन द्वारा। ये रिएक्शन निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में होती है और टेम्परेचर लिया जाता है 526 to 576। ये इसका टेम्परेचर है, इस पर इसको हाइड्रोजन से करेंगे तो दोनों हाइड्रोजन एक एक जगह पर आकर के जुड़ जाते हैं और ये बनेगा कंपाउंड हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसे हम बोलते हैं ईथेन, यानी एल्केन है, ये आप जानते हैं। यहां पर हम एल्कीन ले सकते हैं या एल्काइन यहां पर ले सकते हो आप, यहां पर साइक्लो एल्कीन भी लिया जा सकता है, इन तीन में से कुछ भी ले लीजिए। आपको इस तरीके से रिडक्शन हाइड्रोजन को जोड़ना है बॉन्ड हटा करके। ये पर्टिकुलर क्या है, ये पर्टिकुलर एथीन है, बस नोट कीजिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन ये फोर्थ नंबर की रिएक्शन है और इसमें आपको लेना है आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ओ एल ए, इसे बोलते हैं सोडियम एल्किनोइड, सोडियम एल्किनोइड। कोई भी सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड आप इसमें ले सकते हैं और इसकी रिएक्शन हमें कराना है सोडा लाइम से, NaOH और CaO का मिक्सचर होता है, CaO को हम यहां पर ऊपर लिखेंगे। ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिला करके क्या बोलेंगे इसको, सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO मिला करके क्या कहलाएगा, ये सोडा लाइम। रिएक्शन कराने पर बस आपको ये याद रखना है कि ये R जो है ना यहाँ पर बस इसके साथ में H जुड़ जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा तो ये जो बनेगा कंपाउंड वो होगा R सिंगल बॉन्ड H, यानी एल्कीन बनेगा और प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट लिबरेट, इसी को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से लिबरेट होना है, नोट कीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन है बुर्ज रिएक्शन। इस बुर्ज रिएक्शन में आपको क्या करना है देखिएगा, इसमें लेते हैं मिथाइल ब्रोमाइड के टू मॉलिक्यूल और उसकी रिएक्शन कराते हैं Zn से प्लस दूसरा मॉलिक्यूल को यहां उल्टा करके इसको लिख दीजिए Br और CH3। यहां से यहां तक का ये ZnBr2 निकल जाता है, इसको आप निकालना सीख लीजिए ऐसे, ए इलिमिनेट हो जाएगा। ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है और बनेगा क्या, CH3 जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ZnBr2, इसका नाम है इथेन। यानी रिएक्शन में क्या बनता है, इस रिएक्शन में जो बनेगा वो एल्केन बनेगा, इसको आपको दिमाग में रखना है। और यहां पर जो लिया गया है वो मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड और यहां पर ये टू मॉलिक्यूल लिए गए हैं, आपको भी ऐसे ही लेना है। यानी कोई भी एल्किल हैलाइड इसमें आप ले सकते हैं, एल्काइल हैलाइड, यानी मिथाइल ब्रोमाइड क्या है, एल्काइल हैलाइड है, तो आप यहां पर कोई भी एल्काइल हैलाइड लेकर के यहां पर हम इथेन बना सकते हैं, ओके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको क्या करना है,
एराइल हैलाइड आपको लेना है, ये देखिए C6H5Cl प्लस सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, प्लस एक और मॉलिक्यूल लेंगे इसका, किसका, फिनाइल क्लोराइड का, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। और आपको यहां से यहां तक का ये लिबरेट हो जाएगा, इसको हम बाहर निकाल देते हैं और हमारे पास जो बचेगा वो ये बच जाएगा। हमें लेना क्या है, किसकी प्रेजेंस में होना है, ड्राई ईथर, और जो कंपाउंड बनेगा वो होगा डाइफिनाइल प्लस क्या निकल जाएगा, 2NaCl, ये बन जाएगा 2NaCl। इसका नाम क्या होगा, डाई फिनाइल, ये बन गया। ये हमारा एल्किल सॉरी एराइल हैलाइड है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, टू मॉलिक्यूल। रियल वे में ये क्या है, ये एराइल हैलाइड है, ये क्या है, एराइल हैलाइड। इसमें दोनों ही मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड लेते हैं, सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे डाइईथर की प्रेजेंस में, और ये क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल, इसे कॉमनली डाई एराइल भी बोल सकते हो आप। नोट कर लीजिए, ये सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, 7 नंबर की रिएक्शन को समझिए, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले इसमें लेंगे हम C6H5Cl, यानी ये फिनाइल क्लोराइड, यानी ये क्या हो गया, एराइल हैलाइड की कैटेगरी का एक कंपाउंड ले लिया हमने, प्लस 2Na लेंगे वुड रिएक्शन की तरह, और एक लेंगे हम एल्काइल हैलाइड, और वो एल्किल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड होगा यहाँ पर Cl CH3, यानी मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड किस कैटेगरी का है, ये एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड लेंगे, और इसमें से यहां से यहां तक का Cl to Cl चीज हम यहां से हम निकाल देंगे इसमें से। ये आपको दिमाग में रखना है, याद करने के लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा। और ये रिएक्शन भी हमारी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर, तो बनेगा क्या, जो मेजर प्रोडक्ट है वो तो ये बनेगा C6H5CH3 C6H5CH3, ठीक है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। ओके, इसके अलावा यहां पर दो प्रोडक्ट और बनेंगे, जो C6H5 और CH3 CH3, तो यहां पर होगा दूसरा C6H5 यानी डाइफिनाइल, और तीसरा होगा हमारा CH3 और CH3, इसका नाम है इथेन, ये माइनर में होगा, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट है, और इसका नाम है डाई फिनाइल। ओके, ये भी माइनर बनेगा, और मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मिथाइल फिनाइल, इसका नाम क्या है,
मिथाइल फिनाइल, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। इस तरीके से बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, सोडियम है आप पहले से जानते हैं, लिख देता हूं, नोट कर लीजिएगा। ओलमान रिएक्शन, इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, फिनाइल आयोडाइड के टू मॉलिक्यूल लेना है यहां पर, इरा फिनाइल आयोडाइड, इसके टू मॉलिक्यूल लेना है और कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है, प्लस आई और यहां पर फिनाइल जोड़ दीजिए, ये रहा आपका, और ये बीच वाला पार्ट यहां से यहां तक ये निकाल के बाहर कर दीजिए। बस हमारे पास क्या बचेगा, देख लीजिए, इसे हीट करते हैं सील्ड ट्यूब में, सील्ड ट्यूब में इसको हीट करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो ये होगा डाइफिनाइल, इनका नाम मैं अभी आपको लिख रहा हूं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, डाइफिनाइल बन गया, प्लस टू CuI यानी क्यूप्रस आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। जब हम इसका नाम लिखेंगे तो ये है आपका फिनाइल आयोडाइड या आयोडो बेंजीन, ऐसे भी लिख सकते हो आप, आयोडो बेंजीन, इसके टू मॉलिक्यूल, और यहां पर जो बन रहा है वो डाई फिनाइल है, डाई फिनाइल है, और ये जो निकलता है वो है क्यूप्रस आयो डाइल, ये लिबरेट होगा, ठीक है, ये कॉपर है। यहां पर आयोडो बेंजीन को आप फिनाइल आयोडाइड भी लिख सकते हो, फिनाइल आयोडाइड, आप जो सा नाम अच्छा लगे इसमें से आप लिख सकते हो, और ये है आपकी ओलमान रिएक्शन, नोट कीजिए। ये है हमारी रिएक्शन नंबर 9 और इसे हम कहेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसमें भी एल्केन का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें लेंगे हम एल्काइल आयोडाइड आर सिंगल बॉन्ड आई, प्लस इसमें जिंक लिया जाता है सोडियम की जगह, प्लस टू मॉलिक्यूल लेना है हमें एल्किल आयोडाइड के, तो आईआर लिखेंगे यहां पर। यहां से यहां तक का ये पार्ट है, ये आपने बीच का निकाल के बाहर कर दिया यानी लिबरेट हो गया, और हमारे पास जो बचेगा वो होगा आर सिंगल बॉन्ड आर यानी एल्किल, और प्लस ZN I2, ये एल्केन है जो इसमें बनने वाला है, और ये है हमारा एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड, और ये है जिंक, ठीक है, ये टू मॉलिक्यूल हैं, टू मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके हमें बताना है। तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन में भी एल्केन बनता है, बस ये चेंज किया है, यहां पर एल्किल आयोडाइड लिया गया है और सोडियम की जगह जिंक लिया गया है, जो दूसरी रिएक्शन में ऐसा नहीं किया था, ये जिंक आयोडाइड है, जिंक आयोडाइड, ओके, नोट करिए। नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, कुछ भी लीजिए, रिएक्शन के रूप में है, ये एल्केन की रिएक्शन है, इसमें भी एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए इसमें हमें क्या लेना है, आर सी ओ ओ एन ए सोडियम एल्किनोइड के टू मॉलिक्यूल यहां हमें लेना है, सोडियम एल्केनोएट ये हमें लेना है, यानी कोई भी सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लीजिए, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेना है ट्वाइस
H2O और इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे इसका? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहां पर जो बनता है, तो मेन चीज आपको ये याद रखना है, ये ब्रेक हो जाता है, ये R R ये दो बन जाएंगे R सिंगल बॉन्ड R, यानी क्या बन गया ये एल्केन। और देखिए इसमें क्या क्या निकलता है, ये टू कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, यानी टू CO2 प्लस टू NaOH निकलेगा और हाइड्रोजन भी लिबरेट होगी, ये बन गए, इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड तो आप जानते हैं ये लिबरेट होगी और ये हमारा एल्केन बन गया। अगर यहां पर R की जगह मैं R इक्वल टू ले लूं CH3, तो यहां पर क्या बनेगा, ये भी R इक्वल टू CH3 होगा। जब ये CH3 होगा तो कंपाउंड बनेगा इथेन, समझ में आ गया ना? R अगर जैसे CH3 लेते हैं तो R यहां भी CH3 होंगे दोनों, और इथेन बन जाएगा क्योंकि एल्केन के रूप में आपको दिखाया गया है। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट रिएक्शन है कोरे हाउस सिंथेसिस। इस रिएक्शन को थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगी, ये रिएक्शन थ्री स्टेप में होती है। सबसे पहले मैं लूंगा यहां पर आर एक्स प्लस टू एल आई गिव्स एल्किल लिथियम आर एल आई प्लस एल आई एक्स, ठीक है, ये आपका एल्काइल लिथियम बन गया जो मेन है, एल्काइल लिथियम ये हो गया। ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है, लिथियम के साथ रिएक्शन करके सबसे पहले ये बनाता है। उसके बाद हम ए आर एल आई के टू मॉलिक्यूल लेते हैं, टू आर एल आई प्लस इसकी क्यूप्रस आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं, तो यहां पर बनेगा आर टू सी यू एल आई और क्या निकलेगा, और हमारा बन जाएगा इसमें एल आई बचा हुआ है हमारा और आई बचा हुआ, तो एल आई आई निकाल दीजिए, ठीक है, ये आपका डाई एल्काइल लिथियम, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट है, ये तो आप जानते ही हैं, लिथियम आयोडाइड राइट, ये क्यूप्रस आयोडाइड है, क्यूप्रस आयोडाइड। अब यहां पर आर टू सी यू एल आई है, इसको फिर से ले लेते हैं, यहां पर आर टू सी यू एल आई की रिएक्शन फिर से एल्किल हैलाइड से कराते हैं, ये नहीं दूसरा एल्किल हैलाइड ले लेते हैं हम, इसको हम आर डैश एक्स करके लिखेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा आर सिंगल बॉन्ड आर डैश, यानी ये एल्किल बन गया, ओके। और जो चीज बचती है वो क्या होगी, वो होगी एक होगी आर सी यू एल्किल कॉपर और साथ में हमारे पास लिथियम हैलाइड है, तो ये एल आई एक्स निकल जाएगा, ये है हमारा डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट जो यहां से दिया गया है। थ्री स्टेप में हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और बन क्या जाता है एल्केन। आर की जगह आप कोई भी मिथाइल इथाइल ग्रुप लेकर के इस रिएक्शन को आप बना सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन में क्या करते हैं, इसमें लिया जाएगा, देखिए R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है, कोई भी एल्कीन आप इसमें लीजिए या फिर एल्काइन भी आप ले सकते हैं, इसमें वहां भी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होगी, एल्कीन एल्काइन में से कोई भी ले सकते हैं, मैंने अभी क्या लिया एल्कीन लिया है,
किसकी रिएक्शन कराते हैं, डाइबोरेन के साथ B2H6 ईथर की प्रेजेंस लेंगे, तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा इसके 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, मैं रिएक्शन अभी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं, तो ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस B, इसका वो नाम होता है ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा, उसकी एसिटिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, इसकी एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में, यानी R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 के 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और ये है हमारा एल्कीन। इस तरीके से बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इस स्टेप को बीच में जरूरत नहीं पड़ती हमें कॉम्पिटिशन में, डायरेक्ट आपको ये देखना है जितने कार्बन एटम यहाँ होंगे उतने ही कार्बन एटम का एल्कीन बनेगा, जो एल्कीन या एल्काइन आपने यहाँ पर लिया हुआ है नोट कर लीजिए। फिनकैल्स्टीन रिएक्शन, ये रिएक्शन भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है और इसमें हैलोजन एक्सचेंज होता है, तो इसमें लेना है हमें एल्काइल ब्रोमाइड, यहां लिख लेते हैं एल्काइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम आयोडाइड, यानी कोई मेटल आयोडाइड इसमें लेते हैं, ये सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ये रिएक्शन एसीटोन की प्रेजेंस में होती है, हीट करते हैं तो ये RI यहां से बन जाएगा और NaBr जो है ना ये लिबरेट हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड, मेनली हमें RI बन जाएगा यहां पर R सिंगल बॉन्ड I, RBr लिया था RI बन गया, यानी क्या बन गया ये एल्काइल आयोडाइड और प्लस ये NaBr यहां पर ये निकल गया NaBr, ये क्या है सोडियम, ये तो आप जानते ही होंगे सोडियम ब्रोमाइड, जो 11th गोइंग स्टूडेंट है ना उनको कई बार फॉर्मूले नहीं आते हैं उनके लिए भी काम, इसलिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, बस जल्दी से नोट कीजिएगा। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, इसमें आपको केवल किसी एल्कीन का आइसोमर बनाना है, तो कोई एल्कीन ले लीजिए उसके आइसोमर बना दीजिए, तो जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूं यहां पर CH3 CH2 एंड CH3, ये है हमारा नॉर्मल हेक्सेन, कोई भी ले सकते हैं आप इसमें, बस उसके आइसोमर बनना चाहिए, इसका हमने AlCl3 की प्रेजेंस में 570 केल्विन पर हम हीट करते हैं, राइट? तो बस इसके आइसोमर हैं, तो मैं दो आइसोमर बता रहा हूं, जैसे नंबर 1 होगा ये CH3CH2 एंड CH3, इसका नाम है 2-methyl pentane, तो देखिए इसका चेन आइसोमर है, दूसरा मैं बना रहा हूं प्लस, यहां पर ले रहा हूं मैं CH3 CH2 CH CH3 CH2 एंड CH3, देखिए ये था 2-methyl pentane और ये है हमारा 3-methyl pentane, तो ये दोनों का मिक्सचर बनता है, तो आपको केवल क्या करना है, किसी भी जैसे ब्यूटेन लेती है तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन बना दीजिए, पेंटेन में 3 आइसोमर होते हैं, नॉर्मल पेंटेन आइसो पेंटेन एंड न्यू पेंटेन बनाना है, ऐसे इसके जितने आइसोमर होते हैं, इसमें मेन आइसोमर मैंने बना के आपको दिखाए हैं 2-methyl एंड
3 मिथाइल पेंटेन। इस तरीके से आपको इसके आइसोमर बनाना है, आइसोमर का पिक्चर बनेगा। तो ये होता है हमारा आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन, ऐसा एल्कीन और एल्काइन में भी पाया जाता है। नोट कीजिए, ये रिएक्शन का नाम है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में बहुत ही सिंपल है, एरोमेटिक कंपाउंड बनता है एलिफेटिक कंपाउंड से। बड़ा सिंपल है, देखिए मैं कोई एलिफेटिक ले रहा हूं यहां पर, इसको ध्यान से समझिए। CH3, CH2, 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 CH2 एंड CH3। मान लीजिए ये क्या है, नॉर्मल हेक्सेन है, यानी कैसा कंपाउंड है, ये एलिफेटिक है, ये एलिफेटिक कंपाउंड है कि नहीं। इसको मुझे कन्वर्ट करना है एरोमेटिक में, इसको कहेंगे एरोमेटाइजेशन। इसकी रिएक्शन कराते हैं, ये इसकी प्रेजेंस में आपको याद करना है Al2O3 / Cr2O3। टेम्परेचर दिया जाता है 773 केल्विन और 10 to 20 ATM पैसा दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें दो चीजें होंगी, नंबर वन क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगा, साइक्लाइजेशन पहला काम तो ये होगा, और कह सकते हो चीज एक ही है ये। उसके बाद डिहाइड्रोजिनेशन यहां पर होता है, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है इसलिए साइक्लाइजेशन हो रहा है, यहां से और यहां से एच जो है लिबरेट होंगे और ये बन जाएगा हमारा, देखिए ये वाला कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन, ये बनेगा, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। और क्या निकल गया इसमें, इसमें केवल -H2 निकल जाता है। ओके, ये साइक्लोहेक्सेन के बारे में देखिए, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं प्लेटिनम की प्रेजेंस में, इसको 600 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, तो इसमें भी हाइड्रोजन लिबरेट होगा और ये कंपाउंड बनेगा बेंजीन प्लस 3H2, ये आपका बेंजीन बन गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी को एरोमेटाइजेशन कहते हैं, एलिफेटिक ये एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन है 16 नंबर ऑफ रिएक्शन, डील्स एल्डर रिएक्शन। देख लीजिए इस रिएक्शन को भी, वैसे मैं आपको बता दूं सभी रिएक्शंस की मैंने मैकेनिज्म आपको अलग अलग रिएक्शन में बहुत डिटेल करके बताया है। ये रिएक्शन केवल आपके रिवीजन के लिए है, आप इनको जल्दी जल्दी तैयार आपको करना है। तो इसमें लेते हैं सबसे पहले देखें इस टाइप का कंपाउंड, ये देखिए ये यहां पर कॉन्जुगेटेड डायन है, कॉन्जुगेटेड डायन आपको लेना है, राइट। इसकी रिएक्शन हमें कराना है सब्स्टिट्यूटेड, इस टाइप का कोई कंपाउंड हो, ये डबल बॉन्ड है और यहां पर मैं लगा रहा हूं CO CH3, ये है, इसको कहते हैं डाइनोफाइल, ठीक है, या इसको ऐसे भी याद रख सकते हो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या एल्काइन, कुछ भी ले सकते हो, इसका सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, नाम क्या कहलाएगा इसका, डाइनोफाइल, और ये है कॉन्जुगेटेड डाइन।
बस आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है, एडप्ट बनाना है, रिएक्शन कराऊंगा। तो देखिए ये जो है ये बॉन्ड यहां, ये बॉन्ड यहां और ये बॉन्ड यहां, इस टाइप से चले जाते हैं और ये पूरा जोड़ दीजिए तो देखिए इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, देखिए ये बॉन्ड इससे बन गया, ये बॉन्ड यहां आ जाएगा और यहां पर जो है ये लगा हुआ है हमारा CO CH3, ये एडक्ट कहलाता है क्योंकि एडिशन प्रोडक्ट है तो इसको हम एडक्ट कहेंगे। तो डील्सेल्डर रिएक्शन आपको इस टाइप से बनाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। मार्कोनी-कॉप्स रूल, चलिए इसको देखते हैं। इसमें हम लेते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन, कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन यहां पर लेंगे हम। मान लीजिए मैंने लिया R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपने क्या लिया, यहां लिख सकते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब आपकी जो मन में आए वो ले सकते हो, यहां पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लीजिए। इस पर जो रिएक्शन कराना है वो होती है हाइड्रोजन हैलाइड, आप HCl HBr कोई भी ले सकते हो यहां पर। इसका ये नेगेटिव पार्ट है और ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, बस रिएक्शन कराएंगे तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है ये वाला X का ये यहां पर अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, बस ये जोड़ देना है और ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH, नीचे आ जाएगा X और आगे हो जाएगा CH2 से H जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3। ये बन गया हमारा 2 हेलो एल्केन। बड़ी सिंपल रिएक्शन है, X इक्वल टू आप Cl Br etc ले सकते हो, यहां भी X इक्वल टू आपका Cl Br etc एटसेट्रा, दोनों में से आप कौन सा भी ले सकते हो। ये कहलाता है हमारा मार्कोनी-कॉप्स रूल, नेगेटिव पार्ट आपको उस कार्बन से अटैच करना है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। जल्दी से इसको हाइड्रोजन हैलाइड और लिख दूं, हाइड्रोजन हैलाइड, बस नोट कर लीजिए। ये रहा हमारा परऑक्साइड इफेक्ट और इसमें देखिएगा ये मार्कोनी-कॉप्स रूल से जस्ट अपोजिट है। तो यहां पर भी हम एल्कीन लेंगे, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने डायरेक्टली ले लिया है, प्रोटीन है, इस पर रिएक्शन कराना है हमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड पर्टिकुलर HBr की रिएक्शन इसमें कराना है और ये रिएक्शन जो है किसकी प्रेजेंस में होगी, परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगी, परऑक्साइड इसकी प्रेजेंस में ही रिएक्शन आपको कराना है परऑक्साइड की में। तो यहां पर जो नेगेटिव पार्ट है ये Br का, ये यहां से यहां पर अटैच हो जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, मार्कोनी-कॉप्स रूल से जस्ट अपोजिट, इसलिए इसको एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल भी बोलते हैं, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल भी इसी को कहते हैं, खरास इफेक्ट भी इसी कहते हैं, खरास साइंटिस्ट का नाम है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है इसलिए इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। तो देखिए ये बन जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर कौन जुड़ जाएगा, Br, ये बन गया वन ब्रोमो प्रोपेन। इस टाइप से आप कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्किन लेकर के इस तरीके की रिएक्शन बना सकते हैं। ये प्रोपीन है और ये है हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, नोट करिए जल्दी। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, देख लीजिए इसको,
इसमें एल्किन लेना है हम, कोई भी एक सिंपल सी एल्किन ले लीजिए। देखो यहां पर ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है इथाइलीन, इथाइलीन कॉमन नेम है इसका, बहुत वैसे बोलते हैं इसको IUPAC में एथीन। इस पर रिएक्शन कराते हैं हम ओजोन की, यानी O3, राइट। तो सबसे पहले हम इसको, ये ओजोन इससे कंप्लीटली जुड़ जाता है, एडिशन हो जाता है, ओजोन का बॉन्ड दोनों ब्रेक हो जाते हैं, तो ये कंपाउंड बनेगा CH2। ये एक ओ यहां इस तरीके से जुड़ेगा और ये बचे हुए दो ओ इस तरीके से जुड़े होते हैं, ये देखिए ये बनता है, इसे बोलते हैं इथाइलीन ओजोनाइड, इथाइलीन ओजोनाइड। उसके बाद इसकी आगे रिएक्शन कराते हैं Zn/H2O, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो ये यहां से ऐसे ब्रेक होता है, देखिए ये इधर इससे यहां से ब्रेक हो जाएगा ये वाले को, तो ये दो मॉलिक्यूल CH2O के बनेंगे, यानी फॉर्मल्डिहाइड। तो ये बनेगा 2HCHO+H2O2, ये निकल जाता है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। ओके, और कोई नाम नहीं है, ये ओजोन है ये आप जानते ही हैं, और ये है हमारा इथाइलीन। तो ये कहलाता है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्किन, बड़ा सिंपल है, ये आप ब्रेक करना बस सीख लीजिए और इस तरीके से कंपाउंड बना सकते हो, नोट कर लीजिए। ये रहा हमारा पूर्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड इन एल्काइन, ये हमने एल्किन में भी पढ़ा था और यहाँ पर हम एल्काइन में भी पढ़ रहे हैं, लगभग सेम है, केवल रिएक्टेंट बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमें लेना है, देखिए CH CHCOOK, इसे यहाँ पर भी लेंगे CO, इसे बोलते हैं पोटेशियम मैलिएट, पोटेशियम मैलिएट ये दिया गया है यहाँ पर, और इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, इसलिए इसकी रिएक्शन कराएंगे हम ट्वाइस H2O से, और यहाँ पर हम इस पर एरो लगाएंगे और ऊपर लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। बस अब आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट हमारा ये एसिड क्लीन बन जाता है, ये होगा CH CH, इसे बोलते हैं एसिटिलीन, इसका IUPAC नाम है इथाइन, ओके, प्लस 2CO2 ये निकल जाएगा, प्लस 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन लिबरेट होगी कैथोड पर, और ये CO2 एनोड पर, ठीक है। ये है हमारी कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड इन एल्काइन, बस पोटेशियम मैलिएट कीजिएगा, वाटर से रिएक्ट कराइए यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करिए एक्वस सॉल्यूशन के साथ में, तो एसिटिक बन जाएगा और ये चीजें लिबरेट हो जाती हैं, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट रिएक्शन है कुछ रोप रिएक्शन, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एल्काइन की रिएक्शन है, चलिए देखिए इसको भी। इसमें मैं ले रहा हूं एसिटिलीन, देखिए ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम है एसिटिलीन, एसिटिलीन,
और इसी को बोलते हैं इथाइन, आईयूपीएसी नेम है और ये कॉमन नेम है। इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर से, यानी हाइड्रेशन करते हैं इसका, किसकी प्रेजेंस में जरा देख लीजिए। इसमें लिया जाता है डाइल्यूट H2SO4, ये होता है 60% कंसंट्रेशन इसका, और इसमें लिया जाता है मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, और इसका कंसंट्रेशन होता है 1%, और टेम्परेचर दिया जाता है 333 केल्विन। इस पर इसको हीट करते हैं, तो बस इस पर मार्क वाली को आप रूल लगा सकते हो आप, तो इसमें जो जुड़ने का तरीका होगा एक जगह H और दूसरी जगह OH जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा वाइनिल CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, ये है हमारा वाइनिल एल्कोहल। वाइनिल एल्कोहल हमारा बन गया यहां पर, और इसमें इसका हम टॉटोमेराइजेशन करेंगे, टॉटोमेराइजेशन तो आप जानते हैं ये डबली बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, और इसका जो एच है ये बॉन्ड है ये एच यहां पर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, और इसे बोला जाता है एसीटाल्डिहाइड, इसी को आप IUPAC नाम है इथेनल, आप दोनों में से कोई याद कर सकते हो। और ये नहीं हमारी कुछ रोप्स रिएक्शन, नोट इट। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन अगली रिएक्शन है, इसको ध्यान से देखें, जैसा एल्कीन में ओजोनाइजेशन कराया था ऐसा इसमें भी होगा, बस इसमें एल्काइन लेंगे। तो देखिए यहां पर मैं ले रहा हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, नाम लिखते जाते हैं साथ में, इथाइन है ये, इसका ओजोनाइजेशन करेंगे यानी ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे सबसे पहले O3, इसमें टू बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और इस तरीके की रिएक्शन बनेगी CH सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पर ये O जुड़ा होगा और नीचे इस तरीके से दो, जैसा एथीन में हमने जोड़े थे इस तरीके से आप जोड़ना सीख लीजिए। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरीके से, CHO और CHO बच जाते हैं, इसकी रिएक्शन कराएंगे Zn/H2O, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे जिंक की प्रेजेंस में, तो हमारा ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, और इसका नाम है ग्लाइऑक्सल प्लस H2O2 निकल जाएगा, ये H2O2 की वजह से ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके द्वारा, इस H2O2 के द्वारा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड में, ये फॉर्मिक एसिड आगे चल के ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसमें से क्या बनेगा, ये 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट होती है और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, फाइनली हमारा ये ग्लाइऑक्सल बनता है। अगर आगे ऑक्सीडाइज ना हो तो ये CO2 तक यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये हमारी इसको ओजोनाइड लिख सकते हो, जैसे इथाइन है या इथाइन ओजोनाइड इसको लिख सकते हो, इथाइन ओजोनाइड, बस इसे नोट कर लिए। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी 23 और इसका नाम है HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। एल्कीन में भी ये रिएक्शन मैंने जस्ट पिछले अभी बता चुका हूं, इसको भी देख लीजिए, सेम प्रोसेस है, इसमें मैं एल्काइन हुआ, देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH
ये रहा हमारा एसिटिलीन, इसकी रिएक्शन हमें कराना है, इसका हाइड्रोबोरेशन कराना है, तो मैं लूंगा यहां पर BH3 प्लस THF, याद रखिए बस, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, BH3 डाइबोरेन में हम BH3 लेते हैं, इसके 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए, बैलेंस करने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं डायरेक्ट रिएक्शन बता रहा हूं, तो यहां पर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH का होल थ्राइस बी, ये हमारा बस इसमें एच जुड़ जाता है इसका 3 बार, तो ये बन जाएगा यहां पर ट्राई विनाइल बोरेन, ये आपका बन गया ट्राई विनाइल बोरेन। इसकी रिएक्शन आगे कराते हैं एल्की लाइन H2O2 से, यानी H2O2 लेंगे, ये कैसा है एल्की लाइन है, OH नेगेटिव ऐसे करके लिख सकते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा वाइनिल एल्कोहल में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH की 3 मॉलिक्यूल, और इसका नाम हम बोलेंगे वाइनिल एल्कोहल। ये वाइनिल एल्कोहल का टॉटोमराइजेशन करेंगे, टॉटोमेराइजेशन करेंगे वाइनिल एल्कोहल का, तो ये देखिए यही कंडीशन होती है इसमें, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये एच यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल, 3CH3 CH डबल बॉन्ड O, इसी को बोलते हैं एसीटाल्डिहाइड, बहुत ही सरल रिएक्शन है, इसे HBO के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए एसीटाल्डिहाइड बन गया, इसमें आपको 2 बातें याद रखना, एसीटाल्डिहाइड अगर आपने टर्मिनल लिया है कैसा है, एल्काइन कैसा हो टर्मिनल होगा तो हमेशा एसीटाल्डिहाइड बनेगा, एसीटाल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड बनेगा, मैंने यहां पर क्योंकि एसीटाल्डिहाइड है इसलिए बताया है, और अगर ये इंटरनल लिया, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड क्या है टर्मिनल है, यह ट्रिपल बॉन्ड इंटरनल है, अगर इंटरनल है तो इसमें कीटोन बनेगा, ये आपको डिसाइड करना है, इससे आपको ये रिएक्शन आसान से बनाना आ जाएगा कि हमने टर्मिनल लिया है या इंटरनल लिया है, तो इंटरनल में यहाँ पर कीटोन बनेगा, टर्मिनल लिया है तो एल्डिहाइड बनेगा, मैंने यहाँ पर एसीटाल्डिहाइड बनाया है, पर्टिकुलर आपको एल्डिहाइड याद रखना है। चलिए तैयार करिएगा, नेक्स्ट रिएक्शन है वर्क रिडक्शन, बहुत ही सरल रिएक्शन है, देखिएगा इसमें हम बेंजीन और उसके डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो मान लीजिए मैंने यहां पर बेंजीन लिया, ये रहा बेंजीन, इसका मुझे रिडक्शन कराना है किसकी प्रेजेंस में, सोडियम की, या आप ले सकते हैं इसमें लिथियम, लिक्विड अमोनिया लेंगे और इसमें लेते हैं एल्कोहल, इतनी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो जब इसका रिडक्शन करते हैं तो नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन बनता है, ये बनेगा, ये बॉन्ड दोनों यहां आएंगे और ये एच पहले था, एक और एच एच आएगा, इसको बोलते हैं 1,4 साइक्लो हेक्सा डाइईन, और ये है हमारा बेंजीन, ये नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन है जो कि बेंजीन के रिडक्शन से बनती है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट। ये रही नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 25, यानी शॉर्ट रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे फ्लोरिनेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें एल्किल हैलाइड एक्सचेंज होते हैं, कैसे देखिए, इसमें कोई भी एल्किल हैलाइड ले लीजिए फ्लोराइड को छोड़ करके,
यानी मान लीजिए आपने लिया CH3 CH2 और Cl, एल्काइल हेलाइड में मैंने ले लिया ये टू मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम, जो मेन चीज है इसके अंदर वो है Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड। इसके द्वारा इसमें कब, या Hg2F2 आप ले सकते हो, सॉरी कोई भी मेटालिक फ्लोराइड आपको लेना है, तो मर्क्यूरस फ्लोराइड से जैसे रिएक्शन करेंगे, इस रिएक्शन को आप नाम दे सकते हैं फ्लोरिनेशन। ठीक है, बस ये Cl की जगह क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, तो हमारा बनेगा CH3 CH2 और F की टू मॉलिक्यूल, और यहां पर क्या लिबरेट हो जाएगा, Hg2F2 था वो हो जाएगा CH2। इनका नाम लिख लीजिएगा, इसका नाम होता है इथाइल फ्लोराइड और इसका नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। ये है मर्क्यूरस फ्लोराइड, ये है हमारा हैलाइड एक्सचेंज, स्वाट रिएक्शंस के नाम से जानी जाती है। बस एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को आपको फ्लोराइड में कन्वर्ट करना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 26 और इसका नाम है बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। इसमें हम अल्टीमेटली जो कंपाउंड बनाना है वो एल्किल हैलाइड ही बनेगा, देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं, देखिए यहां से R CH2 CH2 COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहले मैं Ag2O की रिएक्शन से सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड में कन्वर्ट कर लेता हूं, ये इसकी रिएक्शन है। तो यहां पर ये बन जाएगा R CH2 CH2 COOAG, इसे आप बोल सकते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, बोल सकते हैं आप इसको, आर की जगह चेंज करके पर्टिकुलर नाम लिखेंगे। इसकी रिएक्शन हमें कराना है ब्रोमीन से, ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, बस इतना सा काम है इसमें। तो यहां से इसको ब्रेक कर दीजिए, जितना आपने कार्बोक्सिलिक एसिड जो लिया है उसमें से एक कम कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड बनेगा। तो ये बनेगा यहां पर हमारा R CH2 CH2 Br, यानी ये एल्काइल हैलाइड बन गया आपका, साथ में ये क्या निकल जाएगा AgBr और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सिल्वर ब्रोमाइड है। ओके, ये है हमारा बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन, बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप एल्किल हैलाइड बस बना दीजिए। इसमें ध्यान रखना जितना आपने ये एसिड सॉल्ट लिया है इसमें एक कार्बन कम वाला एल्किल हैलाइड बनेगा, नोट इट। Hoffman अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, देखिए बहुत ही सुंदर रिएक्शन है, बड़े आसानी से 4 स्टेप में पूरी होती है। तो इसमें सबसे पहले मैं लूंगा एल्काइल हैलाइड,
आर एक्स, इसकी रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ। ये रिएक्शन इथाइल एल्कोहल यानी C2H5OH की प्रेजेंस में होती है 373 केल्विन टेम्परेचर पर। तो यहां पर ये प्राइमरी एमाइन बनेगा RNH2 और प्लस HX बाहर निकल जाएगा, इसे बोलते हैं 1 डिग्री एमाइन या एमीन। इस 1 डिग्री एमाइन को हम फिर यहां पर ले लेते हैं यानी RNH2 प्लस एल्केलाइड द्वारा से लेंगे RX गिव्स, रिएक्शन में यही प्रेजेंस लेंगे सेम जो ऊपर है, तो ये बन जाएगा 2 डिग्री एमाइन R2NH प्लस HX, ये होता है हमारा 2 डिग्री एमाइन। इस 2 डिग्री एमाइन को यहां पर फिर लेते हैं हम R2NH प्लस RX गिव्स, यहां हीट करेंगे सेम इथाइल एल्कोहल की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा R3N और प्लस HX, ये कहलाता है 3 डिग्री एमाइन। ये 3 डिग्री एमाइन को फिर ले लीजिए यहां पर R3N प्लस RX गिव्स, ये बन जाएगा R4N पॉजिटिव और X नेगेटिव, इसको बोलते हैं 4 डिग्री सॉल्ट। ये इस तरीके से 1, 2, 3, 4 रिएक्शंस बनती हैं, बड़े आसानी से आप इसे कर सकते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, इसी को बोलते हैं हॉफमैन एमोलाइसिस मेथड, नोट इट। विलियमसन सिंथेसिस इस रिएक्शन का नाम है, बहुत ही सिंपल है, देखिएगा। एल्किल हैलाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम एल्कोक्साइड, बस इतना याद रखना है। ये रहा हमारा एल्किल हैलाइड RX, एल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद NaOR-, ये सोडियम एल्कोक्साइड, इसको कहेंगे सोडियम एल्कोक्साइड, इसमें से ये वाला पार्ट निकल जाता है NaX और हमारा जो पार्ट बनेगा वो क्या होगा, ये बनेगा R O R' यानी डाई एल्काइल ईथर और निकल जाएगा इसमें से NaX यानी सोडियम हैलाइड। ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होती है, SN2 मैकेनिज्म किसके थ्रू होती है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होती है, और ये कहलाती है विलियमसन सिंथेसिस, नोट करिए। वन रिचर रिएक्शन, इसमें सबसे पहले हम लेते हैं हेलो नाइट्रोबेनजीन, कोई भी हेलो नाइट्रोबेनजीन ले लीजिए। हेलो मैंने इसलिए बोला है कि आपको हेलो की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, BRCLI, मैं यहां पर BR ले रहा हूं और यहां पर पैरा कंडीशन में NO2 अटैच है, ये है ब्रोमो नाइट्रोबेनजीन, नाम आप ऐसे याद रख लीजिए ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। आप हेलो नाइट्रो बेंजीन में इसलिए बोल रहा था कि BR की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। इसकी जो रिएक्शन हमें कराना है वो होती है पोटेशियम साइनाइड के साथ, नंबर 1 पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे और 150 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होती है और इसमें इथाइल एल्कोहल लिया जाता है, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, इथाइल एल्कोहल की दूसरी चीज है। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बस ये ध्यान रखना है कि जो साइनाइड है
ये नाइट्रो की ऑर्थो कंडीशन में जुड़ेगा। सबसे बेस्ट बात इसकी ये है, अगर आप HCl लेते हैं तो आपको इस टाइप की कोई रिएक्शन आती है तो कोई गलती नहीं होगी, आपके BR में कोई चेंजिंग नहीं करना है, लेकिन यहां पर आकर के CN जुड़ जाएगा नाइट्रो एसिड, नाइट्रो काइल में कन्वर्ट हो जाएगा साइनाइड में। रिएक्शन मैकेनिक तो आपको मालूम ही, मैंने अलग से बताई है तो वहीं देखना पड़ेगी आपको, तो आपको यहां ऐसे ही तैयार करना है, बस ये ऑर्थो कंडीशन में जोड़ना है साइनो। उसके बाद इसकी रिएक्शन, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, वही एक्वस इथाइल एल्कोहल की प्रेजेंस में सेम 150 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये साइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा COOH, और BR जहां पर था वहां पर ही रहेगा, इसको आप बोल सकते हो ब्रोमो साइनोबेनजीन, ब्रोमो साइनोबेनजीन नाम और आप अपने आप बना लीजिएगा, जैसे ब्रोमो नाइट्रोबेनजीन है ऐसे ब्रोमो साइनोबेनजीन है, ये ब्रोमो बेंजोइक एसिड है, ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अब ब्रोमो कितने नंबर पे, तो देख सकते हो 1, 2, 3, तो यहां पर ये लिख सकते हो 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ऐसे यहां पर लिख सकते हो 3 ब्रोमो साइनोबेनजीन, लेकिन ये IPC के रूप में लिखा, मैंने कॉमन रूप में लिखा है, ये मेन कर लिए 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ये है हमारी वॉन रिचर रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से इसको नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर है 30, डेकिन रिएक्शन, बड़ी इंपोर्टेंट रिएक्शन है, देखिए इसमें कुछ विशेष बात भी है वो मैं बताऊंगा आपको। इसमें लेना है मुझे सबसे पहले ये आप वेनिलिन बनाइए मेरे साथ, और इसको कन्वर्ट करना है मुझे CHO, और यहां पर लगा है ये OH, इसको हम नाम देंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड है, इसकी जगह हम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड भी ले सकते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कहीं कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड यहां ले सकते हैं। रिएक्शन हमें कराना है H2O2 के साथ, जो कैसा है एल्कली है NaOH, स्ट्रॉन्ग NaOH, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है और ये होता है कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, ये दोनों हटा करके यहां पर ONA लगा देंगे, ये इंटरमीडिएट बना लीजिएगा, और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बना हुआ है इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगा H3O पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में, तो बस ये वैसे भी डायरेक्ट अगर बनाना हो तो आपको OH में कोई चेंजिंग नहीं करना है, CHO को OH में कन्वर्ट करना है, तो ये कंपाउंड जो बनेगा वो ये होगा। CHO की जगह OH आ जाएगा और OH की जगह OH था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, और इसका नाम होता है ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसे कैटेकॉन के नाम से भी जाना जाता है, ये कुछ बड़ा अच्छा नाम है, कॉम्पिटिटिव है, कैटेकॉल इसके नाम से, ये इंटरमीडिएट है, इसके नाम की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं आप, तो यहां पर 1 नंबर ये लिख करके इसको 2 नंबर लिख करके डायरेक्ट बना सकते हैं। ये है हमारी डेकिन रिएक्शन, ये है रिएक्शन नंबर 31, ELPS पर सल्फेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए क्या होता है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में आपको लेना है फिनॉल, क्या है ये है फिनॉल, ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन हमें कराना है एल्किलाइन P2S2O8
पोटेशियम पर सल्फेट, लेकिन कैसा है ये एल्किलाइन है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा NaOH प्लस करके इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन ये जो होती है इसमें वो हाइड्रोक्सीलेशन की रिएक्शन है, बस इतना सा याद रख लीजिए। ये कैसी रिएक्शन है, हाइड्रोक्सीलेशन रिएक्शन है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोक्सीलेशन रिएक्शन। अगर ये आप याद रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस OH आपको ढूंढना है पैरा कंडीशन में। देखिए इसमें एक मिडिल प्रोडक्ट भी बनता है इंटरमीडिएट, उसको मैं केवल बता रहा हूँ, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक SO3 ये एक मिडिल प्रोडक्ट इसमें इंटरमीडिएट बनता है, इसे इंटरमीडिएट लिख सकते हो। और इसका हम H3O पॉजिटिव हाइड्रोलाइसिस करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा क्विनोल में। OH यहाँ पर पहले से लगा हुआ था, ये OH और लग जाएगा यहाँ पर, और इसी को बोलते हैं क्विनोल। ये देखिए रिएक्शन है, अगर आप ये पार्ट भूल जाते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर क्विनोल पे जाइए, और ये याद रखिए हाइड्रोक्सीलेशन रिएक्शन, यानी OH इसमें जुड़ जाता है फिनोल के अंदर। पोटेशियम पर सल्फेट एल्कलाइन मीडियम में अगर लेते हैं तो इसे कहेंगे ELBS पर सल्फेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बस इतना ध्यान करिएगा। थर्टी टू नंबर ऑफ नेम रिएक्शन हॉवन हॉस सिंथेसिस, देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले मैं इसमें ले रहा हूं फ्लोरोग्लुसिनॉल, इसी के आधार पे आपको तैयार करना है OH, OH and OH, ये है फ्लोरोग्लुसिनॉल, पॉलीहाइड्रोक्सीबेनजीन है, और फ्लोरोग्लुसिनॉल की रिएक्शन हमें कराना है मिथाइल साइनाइड से, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है, ये है मिथाइल साइनाइड, ओके। और किसकी प्रेजेंस में कराना है ये आपको यहां लिखना है, नंबर वन ये लिखा होगा आपका जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सेकेंड नंबर में लिखा होगा H3O पॉजिटिव, इस टाइप से ही लिखा हुआ आता है। तो बस आपको इस वाले पार्ट पर ये जो CnCH3 है COCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए OH नो चेंज, इस OH में भी कोई चेंज नहीं, ये भी OH याद आएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा COCH3 में, CnCH3 COCH3 बनके हम जुड़ जाएगा, और इसे हम बोलेंगे नाम जो है बस एसिटोफिनोन जुड़ जाता है फ्लोरोग्लुसिनॉल एसिटोफिनोन, या फ्लोरो एसिटोफिनोन ही डायरेक्ट इसको बोला जाता है, मेरा पूरा लिख दिया है, आप फ्लोरो एसिटोफिनोन भी इसको कह सकते हैं। तो बस ये बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है हॉवन हॉस सिंथेसिस, नोट इट। नेक्स्ट रिएक्शन है राइमर टाइमन रिएक्शन, देखिए इसमें लेते हैं हम सबसे पहले फिनॉल, ये रहा फिनॉल, इसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म से CHCl3, ये रहा हमारा क्लोरोफॉर्म, और लेते हैं इसमें एक्वस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन 340 केल्विन टेम्परेचर पर कराते हैं, तो जो कंपाउंड बनेगा वो होगा OH, तो यहां पर था ही और CHO लग जाएगा ये, इसे बोलेंगे हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल डिहाइड, इसको सैलिसिलाइडिहाइड भी बोलते हैं, सैलिसिलाइडिहाइड इस नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये सैलिसिलाइडिहाइड बनेगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें माइनर प्रोडक्ट भी बनता है, प्लस ये बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड या सैलिसिलाइडिहाइड, इसका भी नाम होगा ऑर्थो सैलिसिलाइडिहाइड एंड पैरा सैलिसिलाइडिहाइड, तो यहां पर ऑर्थो लगा देते हैं और ये पैरा हो गया, ये माइनर प्रोडक्ट होगा इसका, ये आपको दिमाग में रखना है। बस ये है फिनॉल की क्लोरोफॉर्म और एलिवेट से रिएक्शन कराने पर सैलिसिलाइडिहाइड बनता है, इसे कहते हैं राइमर टाइमर रिएक्शन, जल्दी से नोट करिएगा। रिएक्शन नंबर 34, पोलवे शिमिट रिएक्शन। चलिए इसमें मैं लेना सबसे पहले ले रहा हूं सोडियम फिनेट, सोडियम फिनेट या फिनॉक्साइड, और इसकी रिएक्शन कराता हूं कार्बन डाइऑक्साइड से। ये रिएक्शन 680 प्रेशर पर होती है और टेम्परेचर होता है 372-410 केल्विन, इसका टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 410 केल्विन तक जाता है, इतने एटीएम में ये जो कन्वर्ट होगा वो हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट में, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा C-OH, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। इसका एसिडिफिकेशन करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा, एसिडिफिकेशन बाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये कन्वर्ट हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड में, और ये होगा OH, और यहाँ पर ऑर्थो कंडीशन में C-OH, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नोट कर लीजिए, बस इसी के आधार पर आपको रिएक्शन बनाना है, जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट रिएक्शन है नंबर 35 और इसका नाम है बिल्स मेयर रिएक्शन। इसमें हमें लेना है, देखिए सबसे पहले फिनॉल लीजिए, नाम लिख दीजिए इसका, दूसरा रिएक्टेंट यहां पर है पीओ सीएल3, इसका नाम है फॉस्फोरिल क्लोराइड,
तीसरा रिएक्टेंट है एच सीओ और यहां पर दो एमई, इसे बोलते हैं डी डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, शॉर्ट में मैंने लिख दिया डीएमएफ, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ये लेते हैं और उसके बाद में इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो यहां पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, वो देखिए ऐसा होगा, चाहे तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते थे लेकिन इंटरमीडिएट बता रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है कि नहीं भी अगर इसे याद करना चाहो आपको OH, ये पैरा कंडीशन में ये जुड़ना है यहां पर CH N और यहां पर ME, ये भी ME और CH के नीचे CL, ये जुड़ जाता है, ये इंटरमीडिएट है। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ये हाइड्रोलाइसिस करेंगे इसका, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनना है वो ये होगा, कि OH यहां था वही रहेगा और यहां पर ये CHO आ जाएगा, इसे बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका नाम है और साथ में ये वाला कंपाउंड जो बच जाता है इसे लिखेंगे CH3। एमई को मैं CH3 लिख रहा हूं या एमई लिख देते नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ME2 और ये एन है इस वाटर का H2 तो NH2 पॉजिटिव और ये CN बचा यहां पर CL नेगेटिव, ये बाई प्रोडक्ट निकल गया, ये मेन कंपाउंड है जो हमें तैयार करना है। तो देखिए ये रही हमारी कौन सी विल्समेयर रिएक्शन जिसमें हमें फिनॉल फास्फोरिल क्लोराइड और DMF लेते हैं, रिएक्शन कराएंगे, ये बनेगा इंटरमीडिएट कंपाउंड, हाइड्रोलाइसिस करेंगे और बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड और ये कंपाउंड बाहर निकल जाता है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है 36 पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी भी मैं मैकेनिज्म आपको बता चुका हूं अलग सेपरेट रिएक्शन में, आप मेरे चैनल पे जाकर के उसको सर्च कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करें, थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है, इसको ध्यान से इसको करिएगा। सबसे पहले मैं ले रहा हूं इसमें ये कीटोन लेते हैं, देखिए ये है एमई, CH3 की जगह मैं एमई लिख देता हूं, एमई और यहां पर डबल बॉन्ड ओ, ये कीटोन है, इसके टू मॉलिक्यूल ले लीजिए और इसका रिडक्शन कर लीजिए मैग्नीशियम अमलगम द्वारा प्लस H2O, यानी रिडक्शन कराना है हमें पहले, तो ये पिनाकोल में कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप से, ये देखिए ये रहा हमारा एमई, ये भी एमई, यहां पर आ जाएगा OH, ये भी यहां पर एमई है, यहां पर एमई है और ये OH है, ओके ये भी है, ये क्या बन गया विसिनल डायोल, इसे लिख सकते हो विसिनल डायोल, मेनली इसका नाम है पिनाकोल, दोनों तैयार कर लीजिए राइट। अब हमें इसको पिनाकोल को पिनाकोलोन में कन्वर्ट करना है, तो हम सबसे पहले इसकी रिएक्शन करेंगे एच पॉजिटिव से, यानी प्रोटोनेशन करेंगे, तो ये यहां पर एच जुड़ जाएगा, तो देखिए इस टाइप का कंपाउंड फिर बनेगा, ये सिंपल प्रोसेस है जो मैं बता रहा हूं आपको, ये एमई है, यहां भी एमई है, ये एमई रहेगा और ये दो OH है, ये OH2 हो जाएगा, OH2 पॉजिटिव, ये प्रोटोनेशन हो गया, ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप।
उसके बाद में ये मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बता रहा हूं, इसमें से माइनस H2O हो जाएगा तो ये कार्बो कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये अगला वाला जो कंपाउंड फिर बनेगा ये होगा इस टाइप का दिखने में। देखिए ये रहा हमारा Me, ये भी Me, यहाँ पर भी Me है, ये भी Me है, इस OH में कोई चेंजिंग नहीं है, ये OH को निकल जाएगा तो यहाँ पर ये वाला जो है इसको बोलेंगे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ओके, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है। ओके, अब इसके बाद फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से मिथाइल शिफ्टिंग बोलते हैं इसको, मिथाइल शिफ्ट होगा, एमी शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट क्या होगा, ये वाला CH3 ये यहां पर आ जाएगा, तो मिथाइल शिफ्ट में देखिए ये कंपाउंड कैसा दिखेगा, यहां पर CH3 ये आ गया एमी, और यहां पर पहले से ही एमी है, ये एमी यहां रहेगा, ये CH3 यहां से चला गया, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, राइट, पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया, यहां पर ये CH3 यहां से यहां शिफ्ट हो गया, यहां पर एमी जो था वही रहेगा और ये हमारा OH है, राइट। अब अगली स्टेप में लास्ट स्टेप मान सकते हो इसको, ये हमारी सेकेंड स्टेप थी और इसके बाद ये हमारी थर्ड स्टेप थी और ये लास्ट स्टेप है फोर्थ स्टेप। स्टेप याद करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद में से इसमें से माइनस H पॉजिटिव निकल जाएगा, ये वाला H, तो इसका जो बॉन्ड है यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां से हट जाएगा और देखिए ये बन जाएगा, यहां पर देखिए एमी यहां पर है, एक एमी यहां पर है और ये यहां जो है डबल बॉन्ड वो आ जाएगा और ये एमी रहेगा, ये चार्ज खत्म हो गया वाला, देखिए ये बन गया, इसको बोलते हैं पेनाकोलॉन, ये फाइनल प्रोडक्ट है पेनाकोलॉन, ये सी है डबल बॉन्ड वो है, ये CH3 लगा हुआ है, एमी को CH3 बोलते हैं, फिर भी लिख देता हूं मैं यहां पर MeEgCl2 यहां पर CH3 है। ओके, बस ये है सिंपल सी पेनाकोलॉन रीअरेंजमेंट, डायरेक्ट बता सकता था लेकिन थोड़ी सी प्रोसेस मुझे एक्स्ट्रा बताना पड़ी यहां पर, इसको भी आप कर लीजिए, जिसमें पेनाकोल बनाना भी आप सीख रहे हैं और पेनाकोलॉन बनाना भी सीख चुके हैं, जल्दी से नोट करिए। रिएक्शन नंबर 37 एंड 38 एक ही साथ करा रहा हूं क्योंकि ये कैल्काइलेशन है और दूसरा है एसाइलेशन, दोनों की प्रोसेस लगभग एक सी है तो याद करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसमें मी ईथर वाला प्रोडक्ट लेते हैं, सॉरी इसमें रिएक्टेंट के रूप में हम ईथर लेते हैं, देखिए मैं यहां हो जाऊं, थोड़ा मैं दिखूंगा नहीं लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए, ये है हमारा OCH3, इसको बोलेंगे मिथाइल फिनाइल ईथर, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं, पहले एल्काइलेशन है तो मिथाइल क्लोराइड से या मिथाइल ब्रोमाइड से करा देते हैं, ये रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, इसका नाम है मिथाइल ब्रोमाइड। ओके, तो यहां पर जो कंपाउंड दो कंपाउंड बनेंगे जिसमें पैरा कंडीशन वाला जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, देखिए OCH3 जहां था वहां ही रहने दीजिए और यहां पर CH3 जुड़ जाएगा, दूसरा जो प्रोडक्ट होगा इसको बोलेंगे 2-methoxy
टॉलुइन। ओके, दूसरा प्रोडक्ट यहां बनेगा यहां पर होगा OCH3 और नीचे होगा CH3। ये दूसरा प्रोडक्ट, ये पैरा कंडीशन है। तो यहां से बोलेंगे 4-methoxytoluene। ये हमारा जो पैरा कंडीशन है, ये मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट ये अपलोड करना है आपको। ठीक है, ये है हमारा कौन सा फ्रीडक्राफ्ट एल्काइलेशन से मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। बस इसमें यहां की जगह ये ले लेते हैं, आप मान लीजिए ये रहा OCH3, इसको मैं OCH3 लिख रहा हूं, मेथॉक्सीबेनिन भी कह सकते हैं और मिथाइल फिनाइल ईथर भी कहेंगे। इसका रिएक्शन कराएंगे CH3COCl यानी एसीटिल क्लोराइड से, क्लोराइड। ओके, और इसका नाम है मेथॉक्सीबेनजीन भी कह सकते हैं, और वैसे यहां पर लिखा हुआ है मिथाइल फिनाइल ईथर। यहां पर ये रिएक्शन भी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, यहां पर लिख लेते हैं इनको। पहला है OCH3 और ऑर्थो कंडीशन में लगा हुआ है COCH3। ऐसी सेम दूसरा वाला यहां बनेगा, इसमें पैरा कंडीशन में लगा होगा ये, यहां पर OCH3 और पैरा कंडीशन में COCH3। इसको बोलेंगे 2-methoxyacetophenone 4-methoxyacetophenone। ये मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर। तो ये दोनों रिएक्शन लगभग लगभग एक सी हैं, बस इसमें ये मिथाइल क्लोराइड और यहां पर एसीटिल क्लोराइड लेते हैं, तो इसको एसाइलेशन और इसको एल्काइलेशन कहते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। रिएक्शन नंबर 39, इसमें है एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं इसमें ले रहा हूं कोई प्रोटीन ले लीजिए, एल्की CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। पहले बता दो इसमें मार्कोनी कॉप का रूल लगाना है और इसकी रिएक्शन कराना है मुझे मिथाइल एल्कोहल से CH3OH। और ये रिएक्शन में प्रेजेंस में बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, जैसे ये होगा, ये देख लेना वहां पर OCOCF3 का होल ट्वाइस नंबर 1 और नंबर 2 में इसमें दिखेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। एल्केलाइन मीडियम में होगा ये। बस यहाँ पर आपको क्या करेंगे, मार्कोनी कॉप का रूल लगाएंगे, वो CH3 इसमें से नेगेटिव पार्ट CH पर जोड़ना है, तो ये बन जाएगा CH3CH, नीचे आ जाएगा OCH3 मेथॉक्सी और इधर हो जाएगा CH3। बस बन गया ये कंपाउंड। ये हमारी एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन, दिखने में छोटी सी है, ये पार्ट वहां मेन नहीं दिखना है, उस तरीके से इसको बना देना है। इसका नाम है 2-methoxypropane, बस और कुछ नहीं करना है। इसका नाम है मिथाइल एल्कोहल और इसका नाम है प्रॉप 2E। नोट, रिएक्शन नंबर 40, इसमें आपको लेना है फिनोलिक एस्टर, OCOR। ये है हमारा फिनोलिक एस्टर, इसकी रिएक्शन
AlCl3 की प्रेजेंस में एनहाइड्रस होता है, क्राफ्ट रिएक्शन की तरह है, बस यहां पर बन जाएंगे ऑर्थो OH और COR प्लस OH और COR, ये ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रीडोमिनेट होता है, प्री डोमिनेट, ये प्री डोमिनेट है ना, इसका नाम है ऑर्थोहाइड्रोक्सी फिनोलिक एस्टर, और ये पैरा हाइड्रोक्सी फिनोलिक एस्टर है, तो इसको बोल सकते हो एसिल ऑर्थो एसिल फिनोल एंड पैरा एसिल फिनोल। तो ये प्रीडोमिनेट कब है, जब ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये ज्यादा बनेगा और लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस पर ये ज्यादा बनेगा, ये HCl3 प्रेजेंस में फिनोलिक एस्टर के रिएक्शन कराते हैं, इसे बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए।